तो जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, एक तो खबर यह चल रही है कि सीएम कौन बनाया जाएगा राजस्थान का, ये तो आप लोगों की समस्या नहीं है, लेकिन वन रक्षक 2020 का परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है और तमाम विद्यार्थियों को लंबा इंतजार था और इतने दिन तो आचार संहिता लगी हुई थी और कल परसों से आचार संहिता जैसे ही हटी है ना, और जो बोर्ड जो है आरपीएससी बोर्ड और आरएमएमएस जो एसएम बोर्ड जो है चयन बोर्ड जो है वो एक्टिव हो चुका है और कल सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी किया गया था और आज जो रिजल्ट की इसी श्रृंखला में सीधी भर्ती 2020 वन रक्षक का परीक्षा का जो परिणाम है जारी कर दिया गया था। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कल विद्यार्थियों के द्वारा कि कल शाम तक जारी हो जाएगा, बिल्कुल ये बात है वो सही साबित हुई। इसके साथ साथ में थोड़ी देर बाद में आपके लिए खबर और लेके आने वाला हूँ कि सीईटी 15 गुना का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपके लिए आने वाला है, तो क्या रही है कट ऑफ और किन किन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उन सबके ऊपर चलते हैं अगली ही स्क्रीन पर। सेशन को एक बार शेयर कर देना और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बिल्कुल कट ऑफ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा, ये जो सीधी भर्ती जो थी राजस्थान चयन कर्मचारी बोर्ड 6/12/2023 आज 6/12 आपको दिखाई दे रहा है और वन रक्षक सीधी भर्ती 2020 बोर्ड द्वारा वन विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा 2015 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा 2014 के अंतर्गत 2167 गैर अनुसूचित क्षेत्र के और 479 अनुसूचित क्षेत्र के टोटल 2646 रिक्त पदों पर 2646 रिक्त पदों पर भर्ती करवाई गई थी। 11/3 और 21/12 को ये भर्ती जारी की गई थी विज्ञप्ति। इसका एग्जाम भर्ती का परिणाम है वो 18/9 को जारी किया गया था। ये तमाम जानकारियां हैं और इसके लिए जो यहाँ पर आपको गैर अनुसूचित जनजाति के जो रोल नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, अब हम सीधे अपने कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे और ये जो आपकी यहाँ पर कट ऑफ दिखाई दे रही है इस कट ऑफ के ऊपर हम बात करें, ये जो आपकी कट ऑफ जो है गैर अनुसूचित जनजाति वाले एरिया की कट ऑफ जो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए मिशन उत्कर्ष मेरा हो गया, बहुत बढ़िया कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भी हो चुका है। मिशन उत्कर्ष ने कहा है कि भैया मेरा हो चुका है, तो बहुत बहुत आभार आपका, कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्दिक बधाई, मिठाई का डब्बा भेज देना। कट ऑफ मार्क्स की अगर बात करी जाए तो 78.1743 जो है जनरल आपकी पुरुषों का जो है और 22/11/1995 लास्ट आपकी जनरल आपकी क्या बताई गई है जन्म डेट बताई गई है। फीमेल की बात करेंगे तो 65 नंबर 13 नंबर का अच्छा खासा आंतरा यहां पर दिखाई दे रहा है। चेक करो सर, बिल्कुल कराऊंगा चेक, रोल नंबर दे रखे कराऊंगा चेक। उसके साथ साथ में विडो कैटेगरी की बात करें तो 29 नंबर है और डाइवर्स कैटेगरी की बात करेंगे तो 50 नंबर है। तो यानी कि डाइवर्स वालों के 50 वालों के हो चुके हैं, विडो कैटेगरी 29 नंबर वालों का, बहुत कम यहां पर अगर बात करी जाए तो भाई साहब यहां पर मेरिट है वो रही है। उसके साथ में ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 70 नंबर है पुरुषों की है और 57 नंबर यहां भी आपको 23 नंबर का मेजर डिफरेंस है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और उसके साथ में विडो कैटेगरी की बात करें तो 12 ही नंबर है भैया। विधवा होना वैसे तो माना जाता है कि एक बुरी बात है, लेकिन भैया यहाँ पर विधवा वालों के लिए सोने पर सुहागा है क्योंकि भैया 12 नंबर लेके आओ और वन रक्षक बन जाओ। डाइवोर्स, डाइवोर्स तलाक दे और 38 नंबर ले और पास हो जाओ, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे चलते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें जनरल वालों का 61 और फीमेल 51 नंबर, आंतरा कितना है 10 नंबर का है, ठीक है। लेकिन यहां पर 13 नंबर विडो कैटेगरी की महिलाओं का और डाइवोर्स कैटेगरी 39, यहां पर डाइवोर्स ईडब्ल्यूएस से इनकी ज्यादा रही है मेरिट और इनकी कोई मतलब उम्र वगैरह है ही नहीं, ठीक है। उसके साथ साथ में एसटी कैटेगरी की बात अगर करी जाए तो 61 नंबर है और 56 नंबर आपकी फीमेल है और विडो कैटेगरी 10 नंबर है और डाइवोर्स वालों के कितने नंबर है आपके 42 नंबर वालों का सिलेक्शन यहां पर हो चुका है। आगे चलते हैं, यहां पर ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करी जाए तो देखिएगा ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपकी जनरल वालों की कोई मेरिट है ही नहीं और फीमेल में 63 नंबर है, विडो कैटेगरी के 26 नंबर है, डाइवोर्स के 48 नंबर यहां पर दिए गए हैं और एमबीसी 72 नंबर पुरुषों के, 54 नंबर जो है वो महिलाओं के है
और उसके साथ में 11 नंबर विडो कैटेगरी और 38 नंबर जो है वो आपकी डाइवोर्स वालों के यहाँ पर दिए गए हैं। इसके साथ में सहरिया वालों की मेरिट की बात करें, पुरुषों के 20 नंबर है, फीमेल 19 नंबर, इनके भी भैया ताबे लग चुकी है ना, इनके भी क्या हो चुके हैं, ताबे लग चुके हैं। तो ये जो है वो गैर अनुसूचित जो एरिया जो आपका आता है उनकी जो मेरिट है यहाँ पर अपने बात करते हैं। अब अनुसूचित क्षेत्र वाले जो हैं उनकी अगर बात यहाँ पर करें तो इनकी जो मेरिट ये आपके जो 36 रिजल्ट है उसके बारे में देखो, आपका 36 रिजल्ट भी यहाँ पर आपका आया है। और अब देखो यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी वाइज अनुसूचित कैटेगरी जो है उनकी अगर रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो देखो भैया जनरल कैटेगरी में 54 नंबर है, फीमेल के 46 नंबर है, विडो के 6 नंबर है, डाइवोर्स के 30 नंबर है, ठीक है। उसके साथ साथ में एससी कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करें तो जनरल वालों के 50 नंबर है, फीमेल के 36 नंबर है, विडो कैटेगरी 2 नंबर, डाइवोर्स के 28 नंबर यहाँ पर होने वाले हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर बात करें एसटी कैटेगरी की बात करी जाए तो 45, 39 और ये भैया है विडो कैटेगरी का पॉइंट 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 मूलचंद जी ये क्या हुआ है 0.054 है, तो आप बढ़े जाए बस जाओ यारो। हाँ मैं समझ गया, तो टीएसपी एरिया है ठीक है, ये टीएसपी अपन बस जाए तो यार मेरिट बहुत कम रहे ठीक है। इसके साथ साथ में डाइवोर्स और हॉरिजॉन्टल में भी यही सीन है। तो ये जो है यहाँ पर ये दो आपकी कुछ याचिकाएं थी उनको यहाँ पर रिजल्ट जो है वो यहाँ पर क्या कहा गया पारित अंतरिम आदेश दिनांक 24/4/2023 की पालन जारी नहीं किया गया, इनका जो परिणाम है वो जारी नहीं किया गया, इनका परिणाम जो जारी नहीं किया ठीक है। टीएसपी में क्या टीएसपी में चलें क्या फिर वहां पे, तो अच्छा इस तरीके से यहाँ की जो मेरिट है वो कम जाती है, कम पढ़ना पड़ता है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं हम तो यहीं ठीक है यहीं से नाका लगा देंगे। तो ये जो अंतिम रिजल्ट है आप लोगों का किस किस का हुआ है उसके ऊपर अपने बात करते हैं। अगर हम इसके रिजल्ट की सर्च करने की बात अगर करें तो आप जाके ओरिजिनल जो चयन बोर्ड की जो मुख्य साइट जो है उस साइट के ऊपर जाओगे तो आज का ये जो रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है उस रिजल्ट के ऊपर जाना है आपको, और उस रिजल्ट के ऊपर जाकर वहां पर ऊपर फाइंड का ऑप्शन है, इससे फाइंड हो जाएगा क्या मूल जी, यहां से फाइंड हो जाएगा है, यहां से फाइंड नहीं होगा, एक मिनट रुको, यहां से फाइंड नहीं होगा शायद आपको वहां जाना पड़ेगा ना, एक मिनट रुको यहां से थोड़ी फाइंड होगा, नहीं 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 वो निकालो साइट निकालो मुख्य साइट, हाँ इधर से खोलो खोलो, चलो एक बार चेक करते हैं। पीडीएफ तो खुली हुई है ना, फाइल ये रही ये, हाँ ये देखो यहाँ होगा, अभी एक रोल नंबर थे वो रोल नंबर चेक करना, अभी एक रोल नंबर आए थे उसमें आपके उसमें दिखाना, चलो अभी एक बार हमने जो खोली है यहाँ से साइट जो सीधी जो आपकी पीडीएफ है उसको हमने ओपन किया है, तो यहाँ से हो सकता है आपका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके रोल नंबर डालने हैं, सीधे क्या करने हैं रोल नंबर यहाँ से डालने हैं और फिर हम सर्च करेंगे, एक मिनट रुको ये क्या है, कैंसिल करो इन सबको, पेड़ आ गयो रुको रुको बैक करो, और ही भाषा आ गई, एक मिनट इन काटो इनको, इसको भी काटो, इसको काट दो इधर, हाँ दोबारा से ओपन करो, चाइनीज भाषा आ गई, ये वाला, हाँ एक बार दबाओ क्वेश्चन आ गया कि रोल नंबर लगाओ 1893-040 नहीं नॉट फाउंड, मेरा भाषा ही दूसरी आ रही है उससे नहीं होगा कुछ भी,
एक मिनट रुको। हाँ अब देखो, दोबारा रोल नंबर बताओ। ये नहीं आ रहे हैं सर, सो नहीं रहे हैं ना ये तो। और रोल नंबर है वो देखो, एक मिनट देखो। ये सुपर हिट गुर्जर ने कहा 22 90 622। एक मिनट रुको, 22 90 622, 22 90 622, 22 90 622। आए नहीं, की है बासा और यूरिया। मुख्य साइड से खोलो, हलो खट्टू कट्टी नोट सेव करो यार, नो करना था इसको। चल छोड़ो इन्हें, रुको 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 सर, कट ऑफ, कट ऑफ मैंने बता दिया है। सुनीता पवार आप जो भी हैं, अभी अभी मैंने कट ऑफ जो है वो बताई है। इसके अभी हम सर्च ये करें कि रोल नंबर जो है वो कैसे सर्च किए जाए। अब भाषा आ रही है दूसरी और सर्च वाला ऑप्शन तो है ऊपर। एक मिनट रुको, यहाँ से भाषा सेट करते हैं। एक मिनट रुको, कंट्रोल एफ, एक रोल नंबर लगाओ ना, ये मोडेज का सर्च कराएगा। देखो ये लगाओ, 10 10 994, 10 10 994। सर्च करा घटे, भाषा तो सही करो यारो। हाँ जी, मोए 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 क्या कर। एनीडेस्क ऐसे नहीं, वो वैसे सर्च करने वाला। अरे एक मिनट रुको, है ये है क्या, तो वो सर्च क्यों नहीं हुआ, वही तो देखना ना। एनी डेस्क दे रहा हूं मैं, एक मिनट रुको। आपको तो पैनल लगा ही दे रहा हूं, तो एनी डेस्क कर दिया ओपन। 565 है लास्ट में नंबर, 6 6 9 7 1 6 6 5 6 5, 697 166 565। अरे किए जाएंगे अभी 2 मिनट की देरी से। आपके जो रोल नंबर है वो चेक कर लिए जाएंगे अभी। अपने वहां से चलेगा इसका पैनल, तो अभी बता दो आप अपने रोल नंबर अगर है तो आपको चेक करके ठीक है बता दिए जाएंगे। और अभी जो हम कोई एक दो रोल नंबर देख रहे हैं, ऑफिस से आपका जो कर्मचारी चयन बोर्ड, इसमें ये जो मुख्य साइट जो खुली हुई है, तो एक बार सभी साथी जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं, अगर आपका वन रक्षक वाला एग्जाम दिया हुआ था तो आप अपने रोल नंबर सर्च करने के लिए मुझे दीजिएगा और फिर अपने बात करते हैं। हाँ जी, किन किन का सिलेक्शन हो गया वो भी लिखेंगे, जिन जिन का सिलेक्शन